1965 की जंग हम हारे थे जहाँ तक मैंने पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, जीते थे, हारे थे। इंडिया के 600 टैंक पसपा कर दिए थे हम लोग। इधर गए वो 600 टैंक, खत्म कर दिए, कवाड़े में गए पाकिस्तान के। अच्छा, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि 1965 की वॉर पाकिस्तान हार गया। 71 में हारे थे हम लोग, 71 में तो हारे, तभी तो बंगला पे भी हारे थे और कारगिल पे भी हम लोग हारे थे, 1965 में भी हारे थे। ये मैं आज आपको सही वाली इन्फॉर्मेशन दे रही हूं। नहीं नहीं, आप एक दफा सर्च कर लीजिएगा, आप यहाँ किसी से भी बड़ों से पूछ लो। अरे गलत पढ़ाया जाता है ना। नहीं नहीं, गलत नहीं पढ़ाया गया, आप किसी से भी मालूम कर लो। हाँ। 65 में जीते थे, हारे थे, देख लो कितने। किस किस से, कहाँ कहाँ से पढ़ा भाई, कहाँ से पढ़ा, क्या चीज़? 1965 कहाँ से जीते थे? जीते थे, कहाँ पढ़ा था? हमारे बड़ों ने बताया। अच्छा, बड़ों ने बताया ना, बड़ों ने पाकिस्तान स्टडी में पढ़ा था मैंने, इंग्लिश में। 1900 पाकिस्तानी स्टडी ने तो बेड़ा गरक किया होगा सबका, उस बुक पे ट्रस्ट नहीं करना। इंडियन की फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली सबके सामने है और वो बहुत गुड चल रहे हैं इस चीज़ के अंदर, और वो सिर्फ दुबई के साथ नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेटर चल रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं वो अपने, बहुत अच्छे। दिवाली का मौका है, क्या कहेंगे वो हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है या जो इंडिया से आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि हम मुसलमान भी उनके साथ बिल्कुल खुशियों में बिल्कुल शरीक होते हैं, पर इस दफ़ा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है वो उनके साथ खून की होली खेली जा रही है। और पाकिस्तान की हालत दूसरे आपको पता है क्या हुआ है हमारी हालत को जी? हालत बिके हुए हम लोग। किसने खरीद लिया हमें? सबने खरीदा इनको, जैसे कि इंडिया ने, वो क्या अमरीका ने, सऊदी आलो ने। अच्छा, इंडिया का नाम क्यों आया? इंडिया का तो नाम आना है ना, पॉपुलर हो रहा है अभी इंडिया। इंडिया पॉपुलर हो रहा है? अच्छा, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह बता दे, ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और हम डिफेम हो रहे हैं? वो इस्लामी मुमालिक उसके साथ है। यस, इस्लामी कंट्रीज उनके साथ। यूएई में बहुत शानदार मनाई गई है। बिल्कुल, इसी तरीके से यहाँ पर भी आज भी यहाँ पर मनाई जा रही है मुसलमानों के साथ, हिंदू भी मतलब दिवाली मना रहे हैं और जोशो खरोश से मना रहे हैं, पर इस तरह से नहीं होता क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पर, और फलस्तीन के अंदर जो है वो फस्तायत जो है वो खुल के सामने आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है। तो जहाँ पर उनका मतलब कह रहे हैं कि यूएई को फलस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफा नहीं, हमारे पास जज्बा नहीं है। जज्बा तो है, बस जज्बा ही है, बस जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जज्बा कब काम आएगा? वो 1965 में आया था काम, उसके बाद से कोई जज्बा काम नहीं आया। 1965 में ऐसे कौन से तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे ना, इंडिया के 600 टैंकों को पसपा कर दिया था। जीते थे कि हारे थे? जीते थे। ये गलत इन्फॉर्मेशन है फिर। नहीं, 65 1965। ख्वाहिश क्या है, होनी चाहिए कि नहीं, ख्वाहिश चले बता दे। मेरी नज़र में देखे इंडिया बड़ा खूबसूरत शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई, गोवा, मैंने फिल्मों में देखा है। फिल्मी दुनिया में जाऊँ, वहाँ के जो अदाकार एक्ट्रेस वगैरह बड़ी खूबसूरत है, माशाल्लाह, क्या बात है। अगर वो हम और वो एक हो जाए तो क्या बात होगा, पाकिस्तानी वहाँ जाए, इंडियन क्या बात है नहीं? प्राइम मिनिस्टर तो जो मोदी है वो अपनी राज चला रहा है सब जगह पर, उसी का राज है, वो जहाँ चाहेगा उसका राज है, अभी राज है। कि मोदी जाएगा उसके बाद मामला होंगे, इंडिया के मसले हल होंगे इसी जाने के बाद, इससे पहले कुछ नहीं होता। उनके आने से तो इंडिया की इकॉनमी अच्छी चल रही है, खबरें तो यही बता रही हैं। खबरें बता रही है ना आपको, ये बाकी सियासत तो नहीं बता रही है आपको। तो आप इंडिया की सियासत को भी देखते हैं? जी जी। चलिए, वैसे मैं सियासी क्वेश्चन तो नहीं करती, क्या आपको उस जानिब से क्या नज़र आ रहा है जी, अगली गवर्नमेंट किसकी आएगी इंडिया के अंदर? हाँ, अगली गवर्नमेंट इंडिया के अंदर तो अभी तो कुछ बता नहीं सकते अभी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। जैसे कि आप सबको पता है कि फिल वक्त जो है मैं सिंध में हूँ और मेरे जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सिंध से जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे। हम आपके साथ शेयर करेंगे सिंधी लोगों की राय। जो टॉपिक हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेज़ दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके आने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त, वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमें कारोबार करना है, वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबार मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। अब चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है,
तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये एक दूसरी प्रॉब्लम ये कि हमारे अंदर इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ क्यों? एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे, माँ वो भारत माँ जो है। हाँ। मतलब जमीन एक है, जमीन एक है। आपने पार्टीशन कर दिया, आपने दो पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है, कोई समझे ना समझे। आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों पहले हिंदुस्तानी थे अब पाकिस्तानियों की तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अगर दुनिया का असूल है, नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूँगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सही है। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही जाके काम करता है वो, जो उसने घर से सीखा, जो सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही खराब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान है, जिनको हम वोट दे के जो है इलेक्ट करते हैं, वो भी चोरियों में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है उसको करना चाहिए, हमारी आवाम को सबसे पहले, क्योंकि हम हुक्मरान के सर पे तो रहे ना। हाँ। हमारा काम है कि हम जो है वो आवाम जो है ना, उसका काम है, ये नहीं कि हुक्मरान ने किया, ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले। हाँ। वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया तो अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई के जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेकर। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पर नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने क्यों छोड़ दिया, क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना, वो टूट नहीं रहा, कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए, आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना, तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। बोलेंगे बात तो मांगते रहते हैं, जब देखो ये मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ो जी इनको। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। हाँ। उन्हें अपना निज़ाम बनाना है, ज़ाहिर उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जी, उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है। तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। तो वो कहते नहीं जी, अब ये तो उनका काम ही मांगना है, क्योंकि हम तो 75 साल से मांग ही रहे हैं, और उम्मीद है कि 75 साल अगर भी मांगते ही रहेंगे। सही बात, ठीक है, बिटर रियलिटी है, लेकिन सच है, सच है। हाँ, और कोई माने ना माने, सच यही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सही नहीं है। हमारी जो क्या कहते हैं तरक्की कहीं नज़र नहीं आ रही कि हम कहीं आगे बढ़ेंगे या आगे तरक्की करेंगे, कोई नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अंधेरा ही अंधेरा है। दिवाली के जो फेस्टिवल है, सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं, आप अपनी तरफ से जो इंडिया में आपको हिंदू कम्युनिटी देख रही है और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, उन्हें इस त्यौहार के मौके पर क्या दुआ देंगे? भाई देखिए, हमारे पास जो सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी है ना, वो बड़ी तादाद में है जी, और बहुत अच्छी है, मतलब कि उनका मतलब अमन, मोहब्बत, प्यार, इस काम में बहुत अच्छे हैं। और जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं, मैंने देखा वो बड़े पुरसकून और पुरअमन एरिया। बिल्कुल बिल्कुल, पुरसकून और बल बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं ये, ठीक है, और साथ सपोर्ट करते हैं, और कभी भी मतलब ये कि लड़ाई फड्डे में नहीं आते ये लोग। तो मेरा तो पैगाम ये कि इनको विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ फॉर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी, उनको, हिंदुस्तानियों को भी, ठीक है ना, और पाकिस्तानियों को भी, कि आपको नेक तमन्नाएं, हमारी दिल की गहराइयों से दिवाली की खुशियां मुबारक हो आपको। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोश व खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है, उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है, या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल बेशक उनका।
पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था, नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता, और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम गुस्सा पाया जाए। इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो है इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो ये साल गम के तौर पर मनाना चाहिए था, लेकिन इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम दुबई में देखें और पाकिस्तान में भी होली मनाई गई, लेकिन यूएई में बहुत शानदार मनाई गई है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आज भी यहाँ पर मनाई जा रही है, मुसलमानों के साथ हिंदू भी मतलब दिवाली मना रहे हैं और जोश व खरोश से मना रहे हैं, पर इस तरह से नहीं होता क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पर, और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो फसाइत जो है वो खुल के सामने आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है, तो जहाँ पर उनका मतलब कह रहे हैं कि यूएई को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफा अगर हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के और इसके साथ है यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो हैं मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं, और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे हमारे, इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से, तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फोकस चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलें। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं कि कैसी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिया ने बनाई हैं अपने ताल्लुकात के लिए? इंडियन की फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली सबके सामने है और वो बहुत गुड चल रहे हैं इस चीज़ के अंदर, और वो सिर्फ दुबई के साथ नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेटर चल रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं वो अपने, बहुत अच्छे। दिवाली का मौका है, क्या कहेंगे वो हिंदू कम्यूनिटी जो पाकिस्तान में है या जो इंडिया से आपको देख रहे हैं? बिल्कुल हम यही कहेंगे कि हम मुसलमान भी उनके साथ बिल्कुल खुशियों में बिल्कुल शरीक होते हैं, पर इस दफ़ा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है वो उनके साथ खून की होली खेली जा रही है और फ़लस्तीन के अंदर, और बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो हम लोग जो है वो गम व गुस्सा ही इस दफ़ा कर सकते हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, पर हमारी जो है ज़रूरी नहीं है कि मेरी सिर्फ ये अकेले की है, सारे मुसलमानों की मैं नहीं जानता, और उनके साथ शरीक भी हैं, हम लोग भी शरीक हैं, पर इस तरीके से शरीक नहीं है जिस तरह से होना चाहिए हमारे को। आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को सपोर्ट? बिल्कुल फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं हम। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, थैंक यू। पाकिस्तान की हालत दूसरे आपको पता है, क्या हुआ है हमारी हालत को जी? हालत बिके हुए हम लोग। किसने खरीद लिया हमें? सबने खरीदा इनको, जैसे कि इंडिया ने, वो क्या अमरीका ने, सऊदी अरब ने। अच्छा, इंडिया का नाम क्यों आया? इंडिया का तो नाम आना ना, पॉपुलर हो रहा है अभी इंडिया। इंडिया पॉपुलर हो रहा है? अच्छा, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह बता दे, ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और हम डिफेम हो रहे हैं? वो इस्लामी मुमालिक उसके साथ है। यस, इस्लामी कंट्रीज उनके साथ, तो हम तो इस्लाम वाले हैं, हमें क्यों छोड़ रहे हैं? सिर्फ नाम है हमारा इस्लाम का। हाँ। कानून अमरीका का चलता है इधर। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। तो अमरीका को यहाँ कौन लेके आया? हमारे हुक्मरान लाए। और हुक्मरानों को कौन लाते हैं? वो हम लाए। तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हम भुगत रहे ना अभी, हमें सजा मिल रही है ना। हाँ। लाइट के बिलों में, गैस के बिलों में, लाइटों में, हर चीज़ में हमें सजा मिल रही है। यूएई ने दिवाली बड़े शौक से मनाई है, 4 दिन की छुट्टी भी दी है। हाँ बिल्कुल दी है उन्होंने, क्या कहेंगे? हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है, उनका तो पे को हुआ है ना, अभी उनका मायदा हुआ, इंडिया उनको पानी देगा और यूएई वाले उसको तेल देंगे। तो ये इंडिया तो वैसे भी यूएई के साथ बड़ा पुराना ट्रेड कर रहा है। वही तो कह रहा हूँ ना, वो उसके मामले में इतनी मोहब्बत क्यों है जी, क्या वजह है? मोहब्बत है मतलब, पाकिस्तानियों को खटक रही है ये दोस्ती? हाँ, ये मफाद है और कुछ भी नहीं है, मफाद की दोस्ती है। हमारी क्यों मफाद वाली दोस्तियाँ नहीं है किसी के साथ? हमारी नहीं हो सकती ना, हमारे भाई क्या जो हमसे जो मफाद रखेगा कोई? हमारे पास जज्बा नहीं है? जज्बा तो है, बस जज्बा ही है बस, जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जज्बा कब काम आएगा? वो 1965 में आया था काम। हाँ। उसके बाद से कोई जज्बा काम नहीं आया। 1965 में ऐसे कौन से तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे ना, इंडिया के 600 टैंकों को पसवा कर दिया था। जीते थे कि हारे थे? जीते थे। ये गलत इन्फॉर्मेशन है फिर। नहीं, 65 1965 की जंग हम हारे थे जहाँ तक मैंने पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, जीते थे, हारे थे। इंडिया के 600 टैंक पसवा कर दिए थे हम लोग। इधर गए वो 600 टैंक? खत्म कर दिए, कवाड़े में गए पाकिस्तान के। अच्छा, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि 1965 की वॉर पाकिस्तान हार गया। 71 में हारे थे हम लोग।
71 में तो हारे, तभी तो बंगाल भी हारे थे और कारगिल पे भी हम लोग हारे थे, 1965 में भी हारे थे। ये मैं आज आपको सही वाली इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। नहीं नहीं, आप एक दफा सर्च कर लीजिएगा, आप यहाँ किसी से भी बड़ों से पूछ लो। अरे गलत पढ़ाया जाता है ना। नहीं नहीं गलत नहीं पढ़ाया गया, आप किसी से भी मालूम कर लो। 65 में जीते थे हारे थे देख लो। किस किस से कहाँ कहाँ से पढ़ा भाई, कहाँ से पढ़ा क्या चीज़? 1965 कहाँ से जीते थे? जीते थे कहाँ पढ़ा था? हमारे बड़ों ने बताया। अच्छा बड़ों ने बताया ना, बड़ों ने पाकिस्तान स्टडी में पढ़ा था मैंने इंग्लिश में के 1900 पाकिस्तान स्टडी ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है सबका। उस बुक पे ट्रस्ट नहीं करना। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। दुबई जो है दिवाली मनाया है जी बड़े शौक से, और इंडिया का हर त्यौहार मनाता है। इंडिया और यूएई के ताल्लुकात के बारे में क्या कहोगे? आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया, कुछ तो खबरें कान तक से गुजर। मैं खबरें सुनता ही नहीं। अच्छा क्या कहोगे शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो? दिवाली की वजह से मैं खुद मुस्लिम हूँ, पर बराज में सारे जो रिलीजन है उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, उनको मैं हैप्पी दिवाली कहता हूँ। आ जाए उनको मैं मिठाई खिलाऊंगा, मेरे घर पे पहुँचाएँ वो मिठाई। क्योंकि इसलिए जैसे इंडिया का पीएम मोदी साहब और दुबई का जो प्रेसिडेंट व्हाटएवर जो भी होगा, उनका ऑयल का बिजनेस होगा, वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है, इसलिए उनके रिश्ते अच्छे हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सी ट्रेडिंग चलती है। अबू धाबी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जी इंडिया का। हाँ होगा, मैंने आपको रीजन बता दिया मेरे को। लेकिन इंडिया से अच्छे ताल्लुकात तो हमारे थे यूएई के साथ, हमारे ताल्लुकात को क्या हुआ? तो इसी चक्कर में हो गया ना, पाकिस्तान और इंडिया की पुरानी जंग थी, उस चक्कर में दिलों में नफरत भर गई। वैसे उसको खत्म किया, कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अब एक आप या मैं बोलूँ उससे नहीं होगा ना, ये तो पूरा पाकिस्तान एक साथ हो जाए तो ये चीज हल हो सकती है ना मैम। अच्छा आपने इंडिया पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या फ्यूचर देख रहे हैं जी दोनों मुल्कों का? दोस्ती होगी या जैसे नाराज है वैसे ही रहेगी? मेरी नज़र में नहीं होगी। क्यों, क्या वजूहत है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हल नहीं हो रही? यही बात है ना, वो मुस्लिम हम नॉन मुस्लिम, हमारे कल्चर्स वगैरह उनसे मिलते नहीं है, उनके कल्चर हमारे मिलते नहीं है। हमारा तो कल्चर उन्हीं से ही आया है ना, शलवार कमीज या उर्दू हिंदी मिलती जुलती है। उर्दू वहीं से शुरू हुई है, स्टार्ट दिल्ली से वहीं से स्टार्ट हुई है। मुसलमान देख ले तो हमसे ज्यादा वहाँ रहते हैं, तो फिर इतने इख्तलाफात क्यों हैं? वो लोग समझते नहीं है ना, इंडियन नहीं समझते, हम पाकिस्तानी नहीं समझते। आपने शुक्र है पाकिस्तान का भी नाम ले लिया, हम नहीं समझ रहे। मैं बोलूँगा पाकिस्तान नहीं समझता। तो जी ख्वाहिश क्या है, होनी चाहिए कि नहीं ख्वाहिश? चले बता। मेरी नज़र में देखें इंडिया बड़ा खूबसूरत शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई, गोवा, मैंने फिल्मों में देखा है, फिल्मी दुनिया में जाऊँ, वहाँ के जो अदाकार एक्ट्रेस वगैरह बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, क्या बात है। अगर वो हम और वो एक हो जाए तो क्या बात होगा, पाकिस्तानी वहाँ जाए, इंडियन है नहीं। ये मेरे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात तो हमारे थे यूएई के साथ, हमारे ताल्लुकात को क्या हुआ? तो इसी चक्कर में हो गया ना, पाकिस्तान और इंडिया की पुरानी जंग थी, उस चक्कर में दिलों में नफरत भर गई। वैसे उसको खत्म किया, कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अब एक आप या मैं बोलूँ उससे नहीं होगा ना, ये तो पूरा पाकिस्तान एक साथ हो जाए तो ये चीज़ हल हो सकती है ना मैम। अच्छा आपने इंडिया पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या फ्यूचर देख रहे हैं जी दोनों मुल्कों का? दोस्ती होगी या जैसे नाराज है वैसे ही रहेगी? मेरी नज़र में नहीं होगी। क्यों, क्या वजूहत है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हल नहीं हो रही? यही बात है ना, वो मुस्लिम हम नॉन मुस्लिम, हमारे कल्चर्स वगैरह उनसे मिलते नहीं है, उनके कल्चर हमारे मिलते नहीं है। बड़ा हमारा तो कल्चर उन्हीं से ही आया है ना, शलवार कमीज या उर्दू हिंदी मिलती जुलती है। उर्दू वहीं से शुरू हुई है, स्टार्ट दिल्ली से वहीं से स्टार्ट हुई है। मुसलमान देख ले तो हमसे ज्यादा वहाँ रहते हैं, तो फिर इतने इख्तलाफात क्यों हैं? वो लोग समझते नहीं है ना, इंडियन नहीं समझते, हम पाकिस्तानी नहीं समझते। आपने शुक्र है पाकिस्तान का भी नाम ले लिया, हम नहीं समझ रहे। हाँ मैं बोलूँगा पाकिस्तान नहीं समझता। तो जी ख्वाहिश क्या है, होनी चाहिए कि नहीं ख्वाहिश? चले बता। मेरी नज़र में देखें इंडिया बड़ा खूबसूरत शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई, गोवा, मैंने फिल्मों में देखा है, फिल्मी दुनिया में जाऊँ, वहाँ के जो अदाकार एक्ट्रेस वगैरह बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, क्या बात है। अगर वो हम और वो एक हो जाए तो क्या बात होगा, पाकिस्तानी वहाँ जाए, इंडियन है नहीं। ये मेरे यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानियों से अब तक मैं रोड शो के दौरान मिली हूँ, सबका ये कहना है कि अगर दोस्ती हो जाए वो यहाँ आए, हम वहाँ जाए, क्या बात हो? नहीं हकीकत है बिल्कुल, वहाँ का शहर बड़ा खूबसूरत है, यहाँ से कश्मीर आज़ाद हो जाए हमारा। बस ये तो मसला है जो आप कहते हैं ना, हमारा कश्मीर। हाँ। वो कहते हैं हमारा है। हाँ, यही जो मसला चल रहा है। कश्मीर के मसले को इग्नोर करके ताल्लुकात आगे बढ़ाए। दो ये जो यूएई है, इसका जो रुझान इंडिया की तरफ है, धर्म को लेके ज्यादा है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है उसको लेके? इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, उसके लिए किया गया और ये तमाम जो मामला जी छुट्टी की गई है अपना दिवाली के लिए, ये क्यों की गई है ये तो गवर्नमेंट जानती है इसके हवाले से, और ये तमाम हिंदू के बड़ी काबिना है उनके ऊपर मामला है ये, तो ये उनके लिए अच्छा है, ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए कैसे अच्छा नहीं है? क्या इस्लामी दुनिया हमें भूलती जा रही है, पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, क्या कहने का मतलब है आपका?
पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं चाह रहा वो। क्यों नहीं चाह रहे? ऐसी कौन सी बुराई हमारे अंदर आ गई कि कोई हमें दोस्त भी नहीं रखता, कोई हमें हमसाया भी नहीं मानता? ये तो उनके दिल के ऊपर है, क्यों नहीं जानते हम तो, मतलब हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है उनके अपने दिल के ऊपर। ये क्या बात कर दी आप? बिल्कुल सही बात की मैंने आपके साथ, बिल्कुल सही बात। ये वो बात होगी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला है, कसूर भी हमारा और मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, बिल्कुल राइट सवाल है ये आपका। चलिए ये बताएं कि इंडिया और यूएई के ताल्लुकात को आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं? अभी तो हमें यूएई पूरा मिनी इंडिया लगता है, जो हर त्यौहार मनाया जा रहा है, हर त्यौहार पे विशेज है, सेलिब्रेशन है, और उनके गवर्नमेंट के ताल्लुकात भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो जो मोदी है वो अपनी राज चला रहा है सब जगह पर, उसी का राज है, वो जहाँ चाहेगा उसका राज है, अभी राज है कि मोदी जाएगा उसके बाद मामला होंगे, इंडिया के मसले हल होंगे इसी जाने के बाद, इससे पहले कुछ नहीं होता। उनके आने से तो इंडिया की इकानमी अच्छी चल रही है, खबरें तो यही बता रही हैं, खबरें बता रही है ना आपको, ये बाकी सियासत तो नहीं बता रही आपको। तो आप इंडिया की सियासत को भी देखते हैं? जी। चलिए वैसे मैं सियासी क्वेश्चन तो नहीं करती, क्या आपको उस जानिब से क्या नज़र आ रहा है जी, अगली गवर्नमेंट किसकी आएगी इंडिया के अंदर? हाँ अगली गवर्नमेंट इंडिया के अंदर तो अभी तो कुछ बता नहीं सकते, अभी कुछ बताने से चले किसी और से बात करते हैं, जानते हैं उनकी राय। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें, कराची वालों की राय और सिंध वालों की राय आप तक पहुँचाते रहेंगे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।